हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्ज़ाम के बारे में जो कि कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इसका रिज़ल्ट जो है अभी तक पेंडिंग है। तो आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसी वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ जिनका रिज़ल्ट जो था वो काफ़ी टाइम बाद आया या उनका रिज़ल्ट जो था वो पेंडिंग रहा और उनके RNP रूल्स में कोई दिक्कत थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं वो है फीमेल हेल्थ वर्कर का, पोस्ट कोड 651, और इसका फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। रिज़ल्ट ना आने का जो मेन रीज़न है वो है कोर्ट केस, क्योंकि इस पर एक कोर्ट केस चल रहा है और ये एग्ज़ाम जो है वो 22 अगस्त 2018 को हुआ है, जिसका फाइनल रिज़ल्ट 7 दिसंबर 2000, जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट जो था वो 7 दिसंबर 2018 को आ गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके मैक्सिमम जो RNP रूल्स हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से कोई भी इजीली जाके कोर्ट में उसको चैलेंज कर देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ है कि जो अभ्यर्थी जो पास हुआ है उनका कहना है कि हमने ANM प्रशिक्षण लिया था, लेकिन इसके बावजूद जो है GNM जिन्होंने करी थी उनको फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए चुना गया और जो ANM वाले थे उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है, जिसके बाद उनके कोर्ट से कुछ राहत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोई आगे कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसके बाद जो है वो ANM जिन्होंने ANM करी हुई है वो बोल रहे हैं कि जो कोर्ट से आदेश आया हुआ है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग को मानना चाहिए और उन्हें फीमेल हेल्थ वर्कर नियुक्त किया जाए। तो कुछ इस तरह से इस पर कोर्ट केस चला हुआ है और अभी तक इसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है। और कोई भी मतलब इतनी इनकी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, मतलब इतना बड़ा कमीशन है, थर्ड क्लास की मैक्सिमम जो भी रिक्रूटमेंट रहती है सारी यही करता है, लेकिन इसके बावजूद इनके RNP रूल्स में इतनी खामियां हैं कि मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब चीज़ें ईजिली समझ ही नहीं आती कि इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन को वहाँ पर मैंशन करा गया है कि डिज़ायरेबल असेंशियल क्वालिफिकेशन वो है। तो बहुत सारी खामियाँ हैं जिसका जो दिक्कत होती है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को होती है, उनके 2-2, 3-3 साल बर्बाद हो जाते हैं रिज़ल्ट के बाद, और कई लोग तो ज्वाइन कर जाते हैं बाद में 2-3 साल बाद पता चलता है ये तो मेरिट लिस्ट ही बदल चुकी है। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, और आपको नहीं पता है इसका कारण ये है कि उनमें बहुत कम पोस्टें हैं। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें 100+ पोस्ट थी, जैसे ये एग्ज़ाम हो गया फीमेल हेल्थ वर्कर का, JEE सिविल का हो गया, JEE इलेक्ट्रिकल का हो गया, JOIT का हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। एक आज भी एक एग्ज़ाम आया जिस पे भी कोर्ट केस हुआ, बहुत सारे ऐसे कोर्ट केस चलते रहते हैं जिसकी वजह से जो कैंडिडेट होते हैं उनके 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको एक बार अच्छे से बैठ के RNP रूल्स को और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको एक बार अच्छे से सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, और बाकी इनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। मतलब इतने सारे नोटिफिकेशन, इतने सारे प्रेस नोट ये डालते हैं, मतलब आप बता नहीं सकते हो एक बार अच्छे से कि क्या है। आप हिंट भी दे सकते हो रिज़ल्ट के बारे में कि आप क्यों नहीं आ रहा है, कब आप डाल सकते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, जिसके बाद जो है वो सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाकी देखते हैं कि कब तक इसका फाइनल रिज़ल्ट आता है। फ़िलहाल मेरे पास जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी, बाकी जो लोग इनका इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इलेक्शन से पहले शायद इस रिज़ल्ट को जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपने इतना वेट कर लिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।